गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि मिनट हैंड आर एंड हिट के बीच में एंगल शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग में आप कैसे निकालेंगे, आप पहले एक वॉच बनाएंगे, जैसे ये बोला फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 11:40। ठीक है, तो 11:40 बजा है तो आप ये दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आपने एक वॉच बनाया, ये 12 है, 3, 4 है, 5, 6 है, 7, 8 है, 9, 10, 11। ठीक है, तो कैसा रहेगा अगर ये आर हैंड है, ये आर। ठीक, तो 11:40 है, तो 11 से थोड़ा सा आगे रहेगा आर हैंड। ठीक है, ये एच। ठीक है, और ये 40 है तो 40 पे रहेगा। ठीक है, ये 40 पे रहेगा, 8 पे रहेगा, 40 हो गया, 11:40। क्यों, 11 से थोड़ा सा आगे रहेगा, ये आ रहे हैं और ये मिनट है। क्लियर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो आप जानते हैं कि टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल में। ठीक है, तो 360 डिग्री होता है, तो ये इतना 360 डिग्री है, तो हर गैप इक्वल होता है, तो कितना कितना डिग्री होगा एवरी गैप, है ना, कितना कितना डिग्री होगा, तो टोटल कितने गैप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गैप है, और टोटल एंगल कितना होता है 360, तो एक गैप में कितना एंगल होगा, तो वही यूनिटरी मेथड से 360/2। ठीक है, 30 डिग्री होगा, तो मतलब एक गैप में हमारा 30 डिग्री एंगल। ठीक है ना, 30 डिग्री एंगल। तो देखिए यहां से क्या हो गया हमारा एंगल, है ना, कितना गैप हो रहा है, एक्चुअली में आर एंड अगर 11 पे होता तो हमारा एंगल कितना होता। ठीक है ना, तो ये कितना गैप होता, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, तो आपका इतना ऑलरेडी 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये एंगल निकालना एक्स। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो कितना हो गया होगा, आप देखिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आर एंड, देखिए आपका आर एंड है ना, तभी ये आर है ना, ये आर हैंड हमारा 12 पे है। ठीक है ना, तो 12 से ये आवर हैंड 1 पे चला गया। ठीक है ना, तो 12 से 1 पे चला गया तो 30 डिग्री घूम गया, लेकिन उसके कारण से मिनट हैंड कितना डिग्री घूमता है, 360 नहीं, हाँ 60 मिनट होता है तो 360 डिग्री घूम जाता है। क्लियर है, तो अगर मिनट है, मिनट हैंड अगर मिनट है, यहां पर जैसे यहां 11 होता और ये आवर हैंड 12 पे होता, ठीक है ना, तो ये एग्जैक्ट 11 पे होता आवर हैंड, और मिनट हैंड कितना पे होता, 12 पे, तो 12 से फिर 12 पे आ जाता मिनट हैंड, तो आवर हैंड 12 पे चला जाता, मतलब मिनट हैंड 60 मिनट में आवर हैंड को कितना डिग्री घुमाता है, 30 डिग्री घुमाता है, तो 60 मिनट में है ना आवर हैंड 30 डिग्री घुमाता है, तो एक मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री घूमेगा, 30/60 डिग्री, तो कितना मिनट अभी घुमा है मिनट हैंड, 40 मिनट में आवर हैंड अब कितना डिग्री घूमेगा, 30/60 × 40। ठीक है, 20 डिग्री घूम गया, तो 20 डिग्री यहां घूम गया, तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल 90 + 20 कितना हो गया, 110 डिग्री। ऐसे निकालेंगे, तो अभी मैं आपको शॉर्ट बताता हूं आपको निकालना कैसे है। हाँ, तो ये फॉर्मूला आप देखिए, 30 × आवर हैंड जो है -11/2 × मिनट। ठीक है ना, तो मिनट हैंड में आप क्या कर सकते हैं, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आवर हैंड कहां पे है, तो यहां पर ये 11। ठीक है, और मिनट कितना, 40, तो रख दीजिए आपका 30 × 11 - 11/2 × 40 कितना आता है, ये मॉड है 330 और ये 220, तो घटा के कितना होगा 110 डिग्री, तो मॉड 110 डिग्री, तो आप शॉर्ट में ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं और कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक वजन द टाइम 7 डे। ठीक है, आपको क्या करना है, एच का वैल्यू यहां कितना 7 और एक का वैल्यू कितना मिनट है ना, 10 मिनट 10, 7:10, तो आपको एच का वैल्यू 7 रखनी थी।
13 इंटू 7 माइनस 11 बाई 2 इंटू 10 कितना हो गया 210 माइनस 55 तो कितना हो गया 10 में 5 के 5 और 10 में 5 के 5 ठीक है आपका आ जाएगा 155 ठीक है 155 ये आंसर आ गया ठीक है तो अब अगला क्वेश्चन कितना यहाँ रखिए h का वैल्यू कितना 4